जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज के दिन पंचांग के बारे में, व्रत के बारे में और आज के दिन और रात्रि के शुभ शोभरिया मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक 29 सितंबर 2022 दिन गुरुवार। गुरुवार भगवान बृहस्पति, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन माना गया है। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका भी विवाह का सालगिरह है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल पे आप जितने भी व्रत और कथा को सुनने वाले हैं तथा पंचांग को सुनने वाले हैं, आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान बृहस्पति, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें। आज आश्विन माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि होगी रात्रि 12:10 तक। आज के दिन नवरात्रि में चौथे दिन माता कुष्मांडा का पूजन किया जाएगा और आज विनायक चतुर्थी का व्रत भी किया जाएगा और कल के दिन यानी कि 30 सितंबर 2022 को पांचवें दिन स्कंद माता का पूजन किया जाएगा। आज सूर्योदय 5:49 और सूर्यास्त 5:47 चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे 8:53 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे रात्रि 8:05 पे। सूर्य कन्या राशि में रहेंगे और चंद्रमा तुला राशि में। यह शरद ऋतु है, अयन दक्षिणायन रहेगा। योग विष्कुंभ योग रात्रि 12:56 तक, उसके बाद प्रीति योग। आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा जो कि 5:13 से अगले दिन 6:13 तक। आज रवि योग होगा जो कि 6:13 से अगले दिन जो कि 5:13 तक। विजय मुहूर्त आज का जो कि विजय मुहूर्त नहीं है। गोधूलि मुहूर्त का समय जो कि 5:58 से 6:22 तक। करण वनिजकरण 12:50 तक, उसके बाद विष्टिकरण। नक्षत्र की बात करें तो विशाखा नक्षत्र अगले दिन 5:13 तक, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र। दिशाशूल की बात करें तो आज गुरुवार दिन होने के कारण आज के दिन दक्षिण पूर्व और अग्नेय दिशा की यात्रा ना करें, यह लाभकारी नहीं होगा। अगर ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से दही या जीरा खाकर बाहर निकले, इससे पहले 5 कदम पीछे चले फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। आज गुरुवार का दिन है तो गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करें। अभी नवरात्रि का समय है तो इस दौरान माता दुर्गा का पूजन करें तो लाभकारी होगा। गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए केले के वृक्ष में गुरु मिश्रित जल डाले, इससे भगवान बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं। वहाँ पे एक घी का दीपक जलाएं, भगवान बृहस्पति देव को विशेषकर पीले वस्तु का भोग लगाएं, बृहस्पतिवार व्रत का कथा श्रवण करें तो लाभकारी होगा। अब आइए जानते हैं आज के राहु काल समय के बारे में। राहु काल समय की बात करें तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल का समय होगा 1:18 से 2:48 तक। गुली कालम समय होगा 8:48 से 10:18 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:25 से 12:11 तक। अब आइए जानते हैं आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। चौघड़िया 7 प्रकार की होती है, जिसमें से की 4 शुभ चौघड़िया मुहूर्त और 3 अशुभ चौघड़िया मुहूर्त। तो हम जानेंगे केवल आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त, जो कि शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त 5:49 से 7:19 तक। उसके बाद चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त 10:18 से 11:47 तक। उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त 11:49 से 1:18 तक। उसके बाद फिर अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त 1:18 से 2:47 तक। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त 4:17 से 5:47 तक। तो यह थी दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। अब आइए जानते हैं रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त 5:47 से 7:17 तक।
उसके बाद फिर चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 7:17 से रात्रि 8:47 तक, उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 11:48 से रात्रि 1:18 तक, उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 2:48 से रात्रि 4:19 तक, उसके बाद फिर अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 4:19 से सुबह के 5:49 तक। तो यह थी दिन और रात्रि की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। यह विक्रम संवत 2079 रक्षा है और शक संवत 1944 शुभकृत। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।